Hello everyone. Myself Dr. Aditya Gupta. So, this one-shot video, this one-shot video is about ear and eye, uh, two sensory organs that are given in NCRT, and a lot of people uh, find sometimes find it tough, some find it easy, some find it interesting. So, let's begin. I will start with ear first because ear is, I think, a bit tougher than uh, eye, and more importantly, ear is not actually not given that well in NCRT. It gets, tends to get very confusing. So, let's learn about the structure of the ear. So, ear is divided into three parts. Okay, so it's divided into three parts. an एक्सटर्नल ear, a middle ear, and an इंटरनल ear. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इतना तो समझ में आता है नहीं ये सबको समझ में आता है तो ये यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ठीक है सो एवरी थिंग इज ईयर इज डिवाइडेड इन टू थ्री external द एक्सटर्नल ईयर ये होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर फिर आता है मिडल ईयर और फिर फाइनली आता है इंटरनल ईयर वो इंटरनल ईयर है विच गेट्स कन्फ्यूजिंग फेयर पॉइंट बिकॉज एक्सटर्नल ईयर क्या है हमारा ये ईयर पिन हमारे जो बाहर कान है आर यूर्स आउटसाइड देन इट गोज इन टू अ एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल इसको हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल इसे साउंड जाएगा, हमने मैंने कुछ बोला साउंड गया ठीक है देन इट फाइनली रीजेज समथिंग टेम्पेनिक मेमब्रेन इट रीजेज समथिंग टेम्पेनिक मेमब्रेन जो बेसिकली हमारा ईयर ड्रम जिसको हम लोग कह रहे होते हैं बेसिकली एक लेर है एक कनेक्टिव uh, टिश्यू की लेयर है वो हिलता है वो कनेक्टिव जैसे वाइब्रेशन पहुंची साउंड्स की वो हिलेगा डक 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 हिलेगा एंड विल ट्रांसमिट दिस इंपल्सिस टू मिडिल ईयर मिडल ईयर में क्या है मिडल ईयर हैज थ्री ईयर ऑसिकल्स और थ्री स्मॉल बोन्स मैलियस इनकर्स एंड स्टेप्स वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट थिंग्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी स्टेस इज वॉट इट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी एंड अभी तो एयर में वाइब्रेशन थी अब टिम्पेनिक मेमब्रेन ने उस एयर की वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट कर दिया बोन्स में ये बोन्स हिलती हैं तो अब बोन्स हिल रही हैं तो ये वाइब्रेशन किस में चली गई साउंड में किस में चला गया सॉलिड में एंड एज वी नो द साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स एज कम्पेयर टू एयर तो साउंड की एफिशिएंसी और ट्रांसमिशन स्पीड बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस थ्री मिडल ईयर ईयर ऑसिकल्स दीज थ्री स्मॉल बोन्स एंड फाइनली स्टेप्स सिर्फ इट गोज इन समथिंग कॉल्ड एज ओवल विंडो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द इनर ईयर ना इनर ईयर गेट्स वेरी कन्फ्यूजिंग यू नो पीपल कैन ये वट इज़ दिस बोनी लॉब्रेंथ वट इज दिस मेमरीनस लाब्रेंथ आई डोंट अंडरस्टैंड एंड थिंग्स लाइक दैट बट लेट्स इमेजिन सिंपली कि हमारे कान से यहाँ से आ, आ, वो वाइब्रेशन अंदर गई मिडिल ईयर तक पहुँची मिडिल ईयर ने निकाली ना मिडिल ईयर के बाद यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमारा स्कल है और यहाँ पे भी अगर ऐसे फील करो बोन तो है वहाँ पे भी बोन है तो उस बोन के अंदर इन साइड दैट बोन इज समथिंग कॉल्ड अस कॉकलिया द इनर ईयर स्ट्रक्चर्स कॉकलिया सेमी सर्कुलर मेमरीज एंड एवरीथिंग नाउ अगर वो जो स्ट्रक्चर है ना वो एक हॉलो स्ट्रक्चर है ना इमेजिन करो ये एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ इसको एक में मारे मत कर लेना मानो ये टेम्पोरल बोन हो यहाँ की जो बोन होती है वो टेम्पोरल बोन होती है उस टेम्पोरल बोन के अंदर एक हॉलो स्ट्रक्चर आ जाए

ये ये steps है और यहां से बहुत सारे टर्न्स ले रहा है पर बोन के अंदर है अब क्योंकि इतने सारे टर्न ले रहा है और आउटसाइड अंदर से हॉलो है बट आउटसाइड क्या है bone है इसको हम बोनी लाबरिंथ कहते हैं Labyrinth is an English word which means in Hindi, और और का क्या भूल जो हम बोलते हैं एक तरीके से दैट इज चक्रव्यू इज तो ये चक्रव्यू कितना लग रहा है

तो ये थ क्या है तो अब इमेजिन करो कि ये वो स्ट्रक्चर है hollow है ना इस हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर एक फ्लूड होगा पहले तो इसमें बहुत सारा पानी भरा होगा तो अब इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं ठीक है तो हमने इसमें पानी डाल दिया बहुत सारा पानी डाल दिया तो बोनी लैबरेंथ के अंदर एक फ्लूड है उस फ्लूड को हम कहते हैं पेरीलिम्फ हम उस फ्लूड को क्या कहते हैं हम उस फ्लूड को कहते हैं समझ के ओके तो ये तो बोनी लैब्रेन था अब ये पानी मेरे को फेंकना पड़ेगा डोंट वरी क्योंकि मेरे को आगे का हमें एक्सप्लेन करना है ठीक है अब इमेजिन करो कि इस बोनी लैब्रिंस के अंदर दो मेम्ब्रेन्स हो ये दो हैं ये एक मेम्ब्रेन मैंने पानी फेंक दिया तो एक मिनट रुको तो ये खाली जो स्ट्रक्चर देख रहा था तो वो बोनी लैब्रेन है अंदर जो फ्लूड है वो पेरीलिम्फ है इतना समझ में आ गया अब मान लो इस पेरीलिम्फ के अंदर इस बोनी लैब्रेन के अंदर हमने दो मेम्ब्रेन डाल दी एक ऊपर और एक नीचे अब इसको यहां से इमेजिन करो कैसे दिख रहा है एक ऊपर बन रहा है एरिया एक मिडिल में बन रहा है एरिया और एक नीचे बन रहा है एरिया ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है ना इस ऊपर वाली मेम्ब्रेन को हम कहते हैं रिसनर्स मेम्ब्रेन क्या मेम्ब्रेन बोलते हैं रिसनर्स मेमब्रेन और ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है ना इसको हम क्या कहते हैं बेसिलर मेंब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन कहते हैं बेसिलर मेंब्रेन अब इसको मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो ये हमारा हॉलो स्ट्रक्चर था ठीक है ये हॉलो स्ट्रक्चर जो था ये बहुत सारे टॉप टर्न्स ले रहा था तो इसको हम लोगों ने बोनी बोनी था लाब्रिंथ बोला लाब्रिंथ मतलब चक्रव्यू के फॉर्म में ऐसे ये देखो ऐसे बहुत है तो बोनी बाहर से बोनी है बट बहुत सारे चक्कर ले रहा है इसके अंदर दो मेम्ब्रेन हैं इसकी तरह अगर इसको हेड ऑन देखोगे एक तरीके से तो दो मेम्ब्रेन्स हैं ये हो गई दो मेम्ब्रेन्स ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन को हमने बोला आर एम दैट इज रिसनर्स मेम्ब्रेन नीचे वाली मेम्ब्रेन को हमने बोला क्या बेसिलर मेम्ब्रेन अब इसने इस बोली लैब्रेंथ को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कर दिया ना ठीक है ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाय स्केला वेस्टिबुलाय और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्केला टिम्पेना ठीक है थीके? अब ये जो बीच में पार्ट है ये जो बीच में पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे स्केला मीडिया मीडिया मतलब मीडियम बीच वाला स्केला मीडिया और ये जो स्केला मीडिया है ये दो मेम्ब्रेन्स के बीच में है ना एक मेम्ब्रेन और बेसलर मेम्ब्रेन अब ये दो मेंब्रेन के बीच में है और ये बोनी लैबरिंस के अंदर ही ऐसे क्योंकि तो मेम्ब्रेन तो पूरे बोनी लेबरिंथ को ट्रांसवर्स कर रही होगी ऐसे ऐसे करके तो ये जो तो दो मेंब्रेन हैं ये दोनों मेंबरेन्स के बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं मेम्ब्रेनस मेमब्रेनस डू वी से इट इज आज नोन एज मेम्ब्रेनस लैबरिंद आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट पहले आती है एक बोन बोन के अंदर आता है एक अलग सा हॉलो स्ट्रक्चर ठीक है अब वो हॉलस्ट इस बोन के अंदर होता है पानी उस पानी को हम लोग कहते हैं पेरिलिम्फ ठीक है उस पेरिलिम्फ के अंदर हमने दो मेम्ब्रेन्स डाल दी क्या कर दिया दो मेम्ब्रेन्स डाल दी ऊपर वाली मेम्ब्रेन का नाम है रिसनस नीचे वाली मेम्ब्रेन का नाम है बेसिलर अब इसकी वजह से ये जो बोनी लैब्रेन था ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया ऊपर वाले हिस्से को हमने कह दिया स्केला वेस्ट्यूबलाए नीचे वाले हिस्से को कह दिया हमने वी कॉल्ड इट स्केला एंड द मिडिल पार्ट इज द स्केला मीडिया एंड सिंस द स्केला मीडिया इज बिटवीन टू मेम्रेन एंड दीज टू मेब्रेनो टिप्सी टिपसी टॉर्वी टर्निंग तो तुम इमेजिन करो कि ये यहाँ पर है ये ये पूरा का पूरा बोनी लैब्रेन है और इसके अंदर यहाँ पे दो मेंबरेन है ठीक है मैं थोड़ा सा थिन बनाता हूँ एक्चुअली मैं अभी इसको

और अंदर दो मेम्ब्रेन हैं वो भी ऐसे टॉपसी टॉपी टर्न ले रही हैं तो ये जो ब्लू वाला पार्ट हुआ ये हो गया मेब्रेनस लेबरेंथ और ये देखो यही डायग्राम ने ऐसे रिप्रेजेंट किया है ब्लू मेम्रेनस है और बाहर जो है जो हॉलो स्ट्रक्चर जो एकदम बोन के अंदर है वो है बोनी बोनी लैब्रेंथ ठीक है अब मैंने तुम्हें क्या बताया था वट आई हैड टोल्ड यू कि इसके अंदर जो पानी है वो पेरीलिम्फ है पर इन दो मेम्ब्रीन के बीच का जो पानी होता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू दैट इज नोन एज मेम्बरी ठीक है समझ आ गया ओके okay. अब इसके अलावा जो बेसलर मेम्ब्रेन है ये जो दो मेमरियन मैंने तुम्हें बनाई थी इसमें जो नीचे वाली मेम्ब्रेन थी बेस में जो नीचे मेम्ब्रेन थी उसको हमने क्या बोला था दैट वॉज कॉल्ड एज द बेसिलर मेम्ब्रेन ठीक है अब एक और फिर से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये बना वो हॉल स्ट्रक्चर ऊपर वाली मेम्ब्रेन नीचे वाली मेम्ब्रेन नीचे वाली मेम्ब्रेन को हमने बेसिलर मेम्ब्रेन बोला इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक चीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन ऑफ कारटाई क्या कहते हैं हम उसको ऑर्गन ऑफ कार ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है और उसमें हेयर सेल्स होते हैं क्या सेल्स होते हैं हेयर सेल्स होते हैं तो ये तो हो गया हमारा इनर ईयर का स्ट्रक्चर आई होप यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर तो ये देखो ये पूरा बोनी लैब्रेंथ है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे पेरिलिम्फ होगा यहाँ पे पेरलिंफ होगा दो मेंब्रेन के बीच वाले एरिया को मेंब्रेनस लैब्रेस बोलेंगे इसके अंदर क्या होगा एंडोलिम्फ होगा और ये जो बेसिलर मेंब्रेन थी हमारी बेसिलर मेंबरेन थी उसके ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई उसके साथ में होते हैं उसमें होते हैं हेयर सेल्स ठीक है और इन हेयर सेल्स ऑर्गन ऑफ कोटा और हेयर सेल्स के ऊपर एक छोटी सी मेम्ब्रेन एक और छोटी सी परत होती है एक अलग सी परत होती है इस ऑर्गन ऑफ के ऊपर भी एक परत होती है इस परत को दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इस मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं टेक्टोरियल सो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज बिटवीन विच टू मेब्रेन इट्स बिटवीन ऊपर वाली मेम्ब्रेन क्या थी रिसनर्स नीचे वाली मेम्ब्रेन क्या थी बेसिलर उस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर था ऑर्गन ऑफ कॉटा ऑर्गन ऑफ कॉटा में थे हेयर हेयर सेल्स सेल्स के ऊपर था टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोनी लैब्रेंथ के अंदर जो फ्लूड है वो पेरीलिम्फ है दो मेम्ब्रेन्स बीच में आ गई उस मेम्ब्रेन्स के बीच में जो फ्लूड है उसको दो दो के बीच में इनसाइड एंडोलिम्फ कहते हैं हम लोग ठीक है अब यही सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में और एनसीईआरटी के डायग्राम में समझ नहीं आता है पर एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं तो ये देखो ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने तुम्हें ऐसे करके दिखाया मैंने तुम्हें ऐसे करके दिखाया एनसीआर ने ना उसको क्या किया कि यहाँ से काट दिया और फिर दिखाने की कोशिश की इससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वो एक्जैक्टली exactly बना कैसे है सेक्शनल व्यू लिया है ठीक है तो इसमें सेक्शनल व्यू में नीचे वाली मेम्ब्रेन क्या लिखी है एनसीआरटी ने बेसिलर ऊपर वाली मेमरेन क्या है रिसनर्स इसकी वजह से जो दो बीच में एरिया है वो स्केला मीडिया है और वो मेब्रेनस लाब्रंथ है नीचे वाला स्केला टिम्पाना है ऊपर वाला स्केला वेस्टिबिलाई है स्केला मीडिया के अंदर जो फ्लूड होगा उसको हम एंडोलिम्फ कहेंगे और इन दोनों के ऊपर जो फ्लूड होगा उसको हम लोग पेरीलिम्फ कहेंगे यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉटा है ठीक है यहां पे क्या है ऑर्गन ऑफ कॉर्टा सॉरी यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर एक और मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में है हेयर सेल्स यही सारी चीज एनसीआर में लिखी है लेट्स रीड व्हाट डस एनसीआरटी से ठीक है तो एनसीआर है, for हाँ, है और बैलेंस मेंटेन करने में भी इनर ईयर ही काम करता है विच मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस वो उसके लिए सेमी सर्कुलर क्रास होती है वो भी मैं भी पढ़ाता हूँ द ईयर कैन भी डिवाइडेड इन थ्री सेक्शंस आउटर ईयर इन मिडल ईयर एंड इनर ईयर ठीक है आउटरीय में हमारे ईयर पिन्ना है यही लिख रही एनसीआर टी द आउटेरियर कंसिट ऑफ ईयर पिन्ना एंड द एक्सटर्नल ऑडिटेर मेटर्स साउंड ट्रेवल्स टू द पिना इन 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 टू द एक्टर्नल ऑडिटेरियमेटर्स टू रीच द टिम्पेनिक मेमरी इन और द इयर ड्रम सो द पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशन इन द इयर विच आर नाउ प्रोड्यूजिंग द साउंड एक्सटर्नल ऑडिटे मेटर्ट लींज इनवर्स एंड एक्सटेंड्स टूवर्स द टिपानिक मेमरी देर आर वेरी फाइन हेयर एंड वैक्सी क्रिएटिंग लैंड प्रेजेंट दिन ऑफ पिना एंड द मियटर्स दे कभी एक लाइन के फॉर्म में करेक्ट स्टेटमेंट इन करेक्ट स्टेटमेंट में देखे आस्क यू तो यू शुड नो दैट पिन्ना ऑल्सो हैज सर्ट इन विच आर वैक्सिक्रीटिंग आर वॉट वैक्सिक्रीटिंग एंड द मीटर्स

एंडटर सो दिस एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स उसकी जो स्किन है उसमें भी बैक्सिक्रीटिंग ग्रांस होते हैं फाइनली द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सो देन ईजिलिक मेमेन इज मेडअप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू कार्डियक टिशू एंड थिंग्स लाइक दट तो ऑब्वियसली मतलब एक क्वेश्चन एक ऑप्शन तो बहुत ही ऑब्वियसली रॉन्ग होता है सो टिम्पेनिक मेबरीन जो यहाँ पे फाइनली हमारी टिम्पेनिक मेबरीन है दैट इज मेडअप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज कवर्ड विद वॉट स्किन ऑन द आउट

मालियस इज अटैच टू टिम्पानिक मेम्रेन मालियस टिम्पानिक मेम्रेन की तरफ है स्टेप्स जो है ओवल विंडो की तरफ है जो कॉकलिया इनर ईयर में ओपन कर रहा होता है द ईयर ऑसिकल इंक्रीज द एफिशियन ऑफ साउंड आई टोल्ड यू वाई राइट नाफ साउंड इन एयर एक्सटर्नल ऑडिटेर इन एयर फाइनलीस आर देर इन द ट्पानिक मेब्रेन एंड देन ईयर ऑसिकल ट्रांसमिट्रेशन एंड दे आर सॉलिड दे आर बोन्स दे इंक्रीज द एफिशियू वॉट increase the efficiency of transmission of sound waves. so they can ask you an assertion reason question. ear ossicle increase the efficiency of transmission. reason would be they are solid in nature. they are bony in nature. कोई पूछ सकता है देर बोनी इन नेचर विल दट बी द रीजन येस दैट विल बी द रीजन बिकॉज बोन्स आर सॉलिड एंड हेंस दट बिकम्स द रीजन फॉर इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन एंड स्टेशन ट्यूब इज कनेक्टिंग द मिडिल ईयर काविटी तो यहां पर मिडिल ईयर है मिडल ईयर की काविटी को हमारे माउथ के साथ कनेक्ट करता है स्टेशन ट्यूब वो यहाँ के बाहर के प्रेशर और मुंह के अंदर के प्रेशर को रेगुलेट करने में इक्वलाइज करने में काम करता है तो स्टेशन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम ये तो माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स हैं ये पढ़ोगे याद करोगे याद रह जाएंगी अब प्रॉब्लम आती है वन थिंग दैट इज द इनर ईयर द फ्लुइड फिल इन इज कॉल्ड लैबरिंथ वाई इज इट कॉल्ड लैबरिंथ बिकॉज ये देखो यार ये रहा स्ट्रक्चर जो मैंने तुम्हें दिखाया ये रहा इनर ईयर इसमें ये सेमी सर्कुलर कनाल है इसको बाद में पढ़ेंगे ये लेकिन हमारा जो हियरिंग से रिलेटेड है लाब्रेंथ ये राब्रेंथ ये देखो एकदम एकदम चक्रव्यू की तरह चक्रव्यू इन इंग्लिश इज नोन एज लाब्रंथ ठीक है भूल भुलैया कि इधर जा रहा है फिर उधर जा रहे हैं एवरीथिंग सो इट्स अ इनर ईयर इज कॉल्ड एज लाब्रेंथ नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स द बोनी एंड द मेम्ब्रेनस लाब्रेंथ थ अब मैंने तुम्हें बता दिया कि बोनी के अंदर एक हॉलो स्ट्रक्चर है, तो है, है बोनी लाब्रेंथ so, के अंदर है कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कीउट साइड बोनी लाब्रेंथ नो बोनी है जो बोन के अंदर है.

तो हमने पढ़ा ना कि ईयर ऑसिकल्स ओवल विंडो में टर्मिनेट कर रहे थे तो यहां पे कहीं पे स्केला वेस्ट uh, क्या कहते हैं स्केला वैस्टिप्लाय विल बी ओपनिंग टू द ओवल विंडो यहां पे कहीं ना कहीं पे ओवल विंडो होगी समवेयर हेयर विल बी द ओवल विंडो जहां पे ईयर ऑसिकल्स अटैच होंगे और यहां से साउंड आएगा ठीक है एंड एक राउंड विंडो होती है जो तो यहाँ पे स्केला टिम्पाना के साथ आ रही होगी ठीक है सो वी नो दिस नाउ कि द uh, ईयर

और इनके एपिकल पार्ट से भी बहुत सारे स्टीरियो सिलिया निकल रहे होते हैं हमने सिलिया के बारे में पढ़ा था अपने शुरुआत के चैप्टर्स में तो ये हेयर सेल्स रोज में होंगे और इनके ऊपर बहुत सारे सिलिया निकल रहे होंगे अबव द रोज ऑफ द हेयर सेल एक और मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को हम लोग टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं ठीक है वी कॉल दिस सा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन नाउ लेट्स लर्न अबाउट द मकानिज्म इसके बाद में सेमी सर्कुलर और वो सब एक्सप्लेन करूंगा ठीक है सो वॉट द एक्सटर्नल आर एक्सटर्नल ईयर विल रिसीव साउंड वेव्स इट विल गो टू इयर ड्रम ईयर ड्रम विल वाइबरेट यहां से एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर थी साउंड आया इयर ड्रम पर पहुंचा ईयर ड्रम वाइब्रेट किया दिस वाइब्रेशन विल बी ट्रांसमिटेड टू वॉर्ड द इयर ऑसिकल द इयर ड्रम वाइब्रेट एंड रिस्पॉन्स टू साउंडीज वाइब्रेशन आर देन ट्रांसमिटेड टू द ईयर ऑसिकल्स ईयर ऑसिकल्स में पहुंचेगी मालियस इनकर्स एंड स्टेप्स स्टेप्स इज कने मालियस ये याद रखना यह भी इंपॉर्टेंट है मालियस किससे कनेक्टेड होता है इयर ड्रम से और स्टेप्स किससे कनेक्टेड होता है ओवल विंडो से इट ओपन इन द ओवल विंडो अब ओवल विंडो कहां पर कनेक्ट कर रही है पूरा के पूरे लैबरेन्थ में और लैबरेंथ के अंदर क्या भरा पड़ा है फ्लोइड पेरिलेम फॉर एंडोलिम एंडोलिमस लैबरेन्थ के अंदर पेरिले बोनी लैबरेन्थ में है जो सराउंड कर रहा है ओवल विंडो ऑन द साइड ऑफ एंड दे जनरेट वेज एन लें यहां पर तुमने एक बोनी लैबरेंथ दिया तुम्हें तो इसको इमेजिन करो मैं फिर से पानी वाला तुम्हें एनालिजी ले लेता हूं ये हमने पानी डाला ये पेरी लिफ था ये लिम्फ थे बेसिकली जो भी था और ये बोनी लाइब्रेन था अब यहां पे साउंड आएगा और वहां पे वो ऐसे वाइब्रेट करेगा तो अंदर का जो लिम्फ है जो ये पानी है ये भी तो हिलेगा ना और ये हिलेगा ये हिलेगा हिलेगा क्यों नहीं हिलेगा अब ये हिलने की वजह से अंदर जो मेमरीन थी इसके उसके अंदर जो मेमरी थी दोज विल वाइब्रेट राइट सो वेव्स इन द लिम्फ इंड्यूस अ रिपल इन द बेसलर मेमब्रेन तो नीचे मेमरेन कौन सी थी बेसिलर ऊपर मेम्रेन कौन सी थी रेसनर्स पूरा का फ्लो फ्लूड हिल रहा है तो ये ये वाली मेम्रेन भी हिलेंगी अब बेसल मेमब्रेन हिलेगी बेसल मेम्रेन के ऊपर हमने क्या पढ़ा था हेयर सेल्स हैं तो हेयर सेल्स भी हिलेंगे सो दीज हेयर सेल्स द मूवमेंट ऑफ दिस बेसल मेब्रेन बेंड्स द हेयर सेल वो हेयर सेल क्या करेंगे बेंड करेंगे दे विल बैंड एंड बेंड करने की वजह से उनके ऊपर जो एपिकल टेक्टोरियल मेब्रेन थी उनसे वो टकराएंगे बार बार ऐसे बेंड करके दे विल टकराएंगे दे विल ऑलवेज टच द टेक्टोरियल मेमरेन एंड दे विल प्रेस अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेब्रेन एंड इस प्रेसिंग की वजह से इंपल्स जनरेट होगी

द ऑडिटरी कॉटेक्स विच पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑडिट्री कॉटेक्स एंड वहां पर हमारे ब्रेन एनालाइज करेगा कि क्या बोल रहे हैं सो द थिंग एट यू आर लिस्निंग राइट नाउ वॉट इज बेसिकलीडफोन और ईयरफोन एवरीथिंग दट ईयरफोन और हेडफोन या जिस भी कर रहे हो गए उसे आवाज निकल रही होगी दैट विलोड्यूसिंग वाइब्रेशन इन द एयर दोज वाइब्रेशन इन द एयर विल भी कलेक्टेड बायर ईयर पिन्ना विल मूव थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिट्री मेटर विल प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन देंपानिक मेमरी टेम्पानिक मेम्ब्रेन विल ट्रांसमिट दिस वाइब्रेशन टू द ईयर ऑसिकल्स स्टेस विल ट्रांसमिट दिस ईयर ऑसिकल्स में फाइनली जाके बोनी लैब्रेंस के अंदर जो फ्लूड है उसको हिलाएगा बोनी लैब्रेंस के अंदर जो फ्लूड था उसके हिलने की वजह से क्या होगा बेसिलर मेंब्रेन जो थी नीचे वाली ऊपर एजनस ये दोनों भी हिलेंगी बेसिलर मेंब्रेन हैज हेयर सेल्स ऑन इट ऑर्गन ऑफ कॉटा ऑन इट इफ बेसिलर मेंब्रेन मूव्स द हेयर सेल्स विल ऑल्सो विल मूव एंड दिस हेयर सेल विल देन टच विद टेक्टोरियल मेंबरेन दिस

इसके साथ भी बोनी लैबिरिंथ ना जो बोनी वाला एरिया है दे आल्सो मेक्स अप थ्री सेमी सर्कुलर कनॉस इफ यू लुक एट इट केयरफुली ये ध्यान से देखो यहाँ पे ये एक सेमी सर्कुलर है पूरा सर्कल नहीं बना आधा सर्कल बना राइट दिस इज वन सर्कल दिस इज वन सर्कल एंड ये वाला एक और ऐसे सर्कल बन रहा है थ्री सेमी सर्कल कनाल्स से हैं एंड दे आर लोकेटेड अट राइट एंगल टू इच अदर तो ये राइट एंगल में बताओ कैसे होती हैं ऐसे होती हैं मान लो एक सेमी सर्कल कनाल ऐसे है एक एक ऐसे होगी और एक मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ एक ऐसे होगी तो दिस थी विल भी अट राइट एंगल एक सामने की ओर होगी एक इधर की ओर होगी और एक ऊपर की होगी सो दे विल बी अट राइट एंगल्स टू इच अदर आई होप यू अंडरस्टूड कि राइट right एंगल्स पे कैसे होंगे एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा जो बेसिकली हम लोग क्यूब पढ़ते हैं ना यार क्यूब आते हैं कैसे तो हम लोग क्यूब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं हम लोग ऐसे बनाते हैं ना क्यूब ऐसे क्यूब बनाते हैं तो ये मान लो कि एक सेमी सर्कल कनाल की ओरिएंटेशन ऐसी है एक सेमी सर्कल कनाल की ओरिएंटेशन ऐसी है और एक सेमी सर्कल कनाल की ओरिएंटेशन ऐसी है तो ये तीन सेमी सर्कल कनाल हैं ये उस बोनी लैब्रेन से ही निकली हुई है वो एक हालो स्ट्रक्चर ही है अभी भी बोनी बोनी अब पूछो कि ये किस बोन का हॉलो स्ट्रक्चर है तो ये टेम्पोरल बोन का हलो स्ट्रक्चर है ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है देखो ध्यान से देखो यहां पे लिखा हुआ है एनसीआर ने टेपोरल बोन और टेम्पोर बोन में ये हालो स्ट्रक्चर है तो दे कैन आस्क यू दिस ऑल्दो दे हैव नॉट डायरेक्टली गिवन गिवन दिस बट दे स्टिल हैव द द बोन बोनी स्टिलइडर इज इज द टेम्पोरल बोन ओनली ठीक है तो ये तीन स्ट्रक्चर्स होंगे ये हॉलो स्ट्रक्चर्स होंगे ये सेमी सर्कुलर कनाल होंगे एंड दे विल बी एट द राइट एंगल टू ईच अदर ठीक है इस सेमी सर्कुलर कनाल का जो बेस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो बनी बताऊ ऐसे होती है कि एक सेमी सर्कुलर कनाल ऐसे होती है और उसका बेस ना थोड़ा सा मोटा होता है इसको हम लोग क्योंकि मोटा हो गया एम्पलीफाइड हो गया इसको हम लोग कहते हैं एम्पुला क्या कहते हैं एम्प्यूला और इसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर नोन एज क्रिस्टा एम्पुलिस इट्स नोन एज क्रिस्टा एम्पुलारिस ठीक है तो ये एक दो तीन ऐसे होंगे

इट डजन एक्सप्लेन ऐसे डायरेक्टली फैक्ट्स फेंक दिए तुम्हारे ओर की मैकुलर सेंसरी पार्ट ऑफ साक्यूलर न्यूट्रिकल वॉट इज न्यूट्रिकल कुछ भी बता रहे हैं कुछ भी कहीं से भी आ रहा है एंड दट्स वाई इट गेट्स कंफ्यूजिंग रीडिंग एनसीआर एंड यू नीड सम अमाउंट ऑफ एक्सप्लेन विच इज अंडरस्टैंडेबल सो ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज एट डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल ठीक है द मेमरीनस कैनालेंडेड इन द पेरिम ऑफ द बोनी कैनाल मैंने पहले तुम्हें एक्सप्लेन किया हुआ है

और ये देखो यहां पे यहां पे वो एम्पलीफाइड था इसको हम लोग कह रहे थे एम्पुला के अंदर थे हैं क्रिस्टापुलिस ये वाला एरिया था यूट्रिकल एंड सैक्यूल इन दोनों को कंबाइन करके कहते हैं उटूलिथ सो सैक्यूल एंड यूट्रिकल मेकअप उटूलित इन साइड यूट्रिकल एंड सैक्यूल द रिसेप्टर इज कॉल्ड एज मैक्यूला

और ये जो दीज द स्पेसिफिक पूछोगे कि सेमी सर्कुलर कनाल बैलेंस में कैसे हेल्प करती हैं तो देखो वो बोनी के अंदर ही थी, वो देवर अलसो बोनी और उनके अंदर भी क्या भरा बर होगा पेरिलेपरा होगा बोनी के अंदर क्या भरा हुआ था पेरलेम भरा हुआ था तो देर दे आर थ्री आंगल्स हुई चला दे आर 90 तो जब लोग सामने चलेंगे तो ये जो सामने वाली uh, सेमी सर्कुलर कनाल थी उसका फ्लूड हिलेगा और बाकी दोनों का नहीं हिलेगा तो हमारी बॉडी को पता चल जाएगा अच्छा हम लोग सामने जा रहे हैं जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर वाली का हिलेगा ये दोनों थोड़े कंपेरेटिवली स्टेबल रहेंगे तो हमारी बॉडी को लगेगा अच्छा हम लोग ऊपर जा रहे हैं जब हम लोग कोई ऐसे ऐसे करेंगे तो उन तीनों की किसी कॉम्बिनेशन में फ्लूड हिलेगा उस फ्लूड का जो सिग्नल है ये क्रिस्टा और मैक्यूला लेके जाएंगे और हमें बताएंगे कि हमारा सर अभी ऐसे झूम रहा है समझ गए सो दिस इज हाउ सेमी सर्कुल कनाल्स बिंग पोजिशन एट राइट एंगल टू इच अंदर अरे हाँ वो हम लोग लॉ पढ़ते थे ना राइट हैंड लॉ एंड लेफ्ट हैंड लॉ तो वो बेसिकली उसकी तरह ही है यार सेमी सर्कुल कनाल्स मैं भूल गया दिस वुड हा बी बेटर एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन एक सेमी सर्कुल केनाल ऐसे होती है एक सेमी सर्कुलनाल ऐसे होती है एक सेमी सर्कुल कनाल ऐसे होती है ठीक है थीके? तो अगर हम लोग सीधा चले तो ऐसे गए हम लोग सीधा गए तो यहाँ का फ्लूड हिला ये दोनों फ्लूड नहीं हिले

And ye, this is the outermost covering. It is thick. What is thick? Hoti hai. Thick thick, right? It's thick. It's thick. It is outermost. It's whitish in color. So this is the sclera. This thing that I am making right now. One second. I'll use another color. And this is the one. So this thing is the sclera. This part of the eye is the sclera. And the outermost part of the eye that is formed by sclera only. This thing that covers the sclera. This corneal. Oh, uh, sorry. This transparent thing. This is called as the cornea. Fair point.

कुरॉयड पोस्टीरियर पार्ट में थिन होता है बट एंटीरियर आते आते ना इट बिकम्स थिक एंड इट फॉर्म्स समथिंग कॉल्ड एज द सिलरी बॉडी सो दिस थिंग दैट यू कैन सी ये जो लाल मैंने ये बनाया था ना ये ये जो था ये बनती है सिलरी बॉडी सिलरी बॉडी से अटैच होता है लिगामेंट्स और ये लिगामेंट से अटैच्ड होता है हमारा लेंस ठीक है लेंस इज क्रिस्टल इन नेचर और थोड़ा और आगे जाके ये जो कुरॉयड uh, है दिस फॉर्म्स आर आयरिस हमारे आँख में जो है ब्लैक 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 दिखता है वो या ब्लैक या ब्राउन या फिर नीली आंखों में ये दिल डूबा जिनका नीला होता है कहीं का नीला होता है आयरस दैट ब्लू आयरिस दैट थिंग दैट कलर्ड पार्ट दैट वी सी इन द साइड इज द आयरिस द स्मॉल होल इन साइड दैट वी सी दैट इज द ओपनिंग इन द आयरिस दैट इज द पीपल सो इफ आयरस मासस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स द साइज ऑफ द प्यपल कैन बी एडजस्टेड एंड द साइज ऑफ द पीपल कैन भी एडजस्टेड वी कैन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज गोइंग इन साइड सो लेट्स वी गो आउटसाइड ये प्यूपल का साइज छोटा हो जाएगा ताकि लाइट कम जाए इतनी ज्यादा लाइट क्या करनी है लेट्स वी एंटर अ डार्क रूम वी नीड टू कलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट द प्यूपल साइज विल इंक्रीज एंड दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज इज कंट्रोल दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज इज कंट्रोल्ड बाय योर दिस ये क्या है हमारा ये हमारा आयरिस है आयरिस की मसल्स कंट्रोल करती हैं उसके पीछे होती है सिलरी बॉडी सिलरी बॉडी के साथ होते हैं लिगमेंट्स और वो लिगमेंट्स अटैच्ड होते हैं लेंस से लेंस क्या करते हैं वो तो हमें पता है फिजिक्स में पढ़ते हैं यहाँ से ऐसे, ऐसे 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 आती है लाइट वो कन्वर्ज करके किस पे भेजता है द इनर मोस्ट लेयर पे इनर मोस्ट लेयर क्या है हमारी आई की रेटिना रेटिना इज द साइट ऑफ द इनमोस्ट लेर एंड रेटिना कंटेन्स द रिसेप्ट फोटो रिसेप्टर सेल्स एक्चुअली रेटिना में तीन टाइप के सेल्स होते हैं वो तीन टाइप के सेल्स क्या क्या हैं एक होते हैं गैंगलियन सेल्स एक होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स एंड थर्ड होते हैं बायोपोलर सेल्स तो फोटो रिसेप्टर सेल्स भी दो टाइप के होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्सो ऑफ टू टाइप एंड द कोन्स कॉन्स सी फॉर कोन सी फॉर कलर कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन रॉड रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट विजन रॉड्स है विच इज़ अ डेरेवेटिव ऑफ हमारी आंख के फंक्शनिंग के लिए कौन सा वाइटामिन अच्छा होता है वॉट कॉज इज नाइट प्लाइनेस दैट इज वाइटमिन ए वाइटमिन ए मेक्स अप रोडोप्सिन विच इज इन्वॉल्व विच इज प्रेजेंट इन रॉड्स एंड इज इन्वॉल्व इन नाइट विजन डे विजन एंड कलर विजन हमारी कौन कराता है कॉन्स कराता है ये जो तो कोन्स है ना एक स्पेसिफिक एरिया होता है खिंड आउट एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं उस एरिया को कहते हैं फोविया ठीक है और ये सारे के सारे फोटो रिसेप्टर सेल यहाँ पे फोटो रिसेप्टर है यहाँ पे है यहाँ पे है ये सारे के सारे अपने सिग्नल दे एक नर्व बनाते हैं जो बनती है ऑप्टिक नर्व पर जहाँ पे ऑप्टिक नर्व बनेगी रेटना में वहां पर उस स्पेसिफिक एरिया में दिस स्पेसिफिक एरिया देर वॉन्ट बी एनी फोटो रिसेप्टर सेल्स सो वेर द ऑप्टिक नर्व इज लीविंग द आई देर वॉन्ट बी एनी फोटो रिसेप्टर सेल्स देर तो वहां पर इमेज नहीं बन पाएगी तो उस एरिया को क्या कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आई एक बार एनसीआर में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं इट इज मोटा मोटा सेम ओनली थोड़ी सी डिटेल्स एक्स्ट्रा है वो याद कर लेते हैं सो अडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज फेरिकल इन नेचर ठीक है स्फेयर होती है इट इज कम्पोज ऑफ थ्री लेयर क्लेरा कोरोइड एंड रेटिना रेटिना इज अ इनर मोस्ट लेयर स्क्लेरा इज आउटर मोस्ट लेयर दैट इज अ वाइट ऑफ द आई इट इज अ थिकेस्ट लेयर एंड आगे की परत बनाती है इट मेक्स द आउटर मोस्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्निया So the external layer is composed of which connective tissue? It is thick, dense connective tissue, and it's called as sclera. The anterior portion of sclera makes up the cornea. The middle layer, देखो मेरे को भी आप नाम नहीं याद आ रहा था, is called choroid. Choroid is bluish in color because इसमें बहुत सारे blood vessels होते हैं. Now you'll ask कि blue क्यों होता है? क्योंकि veins वे, जो blood होता है, जब तो वो light को reflect करता है, तो वो blue color देता है उस वजह से होता है. So many blood vessels that looks bluish in color. तो पीछे posteriorly thin होती है,

आयरिस रेगुलेट करेगा इट इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर्स ऑफ आयरस सो आयरस के मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटा हो जाएगा रिलैक्स करेंगे तो बड़ा हो जाएगा एक्चुअली दो टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं एक होता है रेडियल एक होता है कंसेंट्रिक सर्कुलर फाइबर्स उसके में डिटेल्स में हम नहीं जाने वाले बट जस्ट मेकिंग यू नो दैट आयरिस विल हैव मसल फाइबर्स एंड देन विल रेगुलेट देगलेट प्यपल इज स्मॉल और बिग लेट्स गोइंग आउटसाइड इन लेट सेन प्यपल बिकम स्मॉल लेट्स यूर गोइंग इन टू यू नो अ डार्क रूम प्यूपल विल बिकम लार्ज कि ज्यादा लाइट ले पाए ठीक है एंड ये प्यूपल से जो लाइट जाती है तो वो कहां पहुंचेगी ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय वॉट लिगामेंट्स इट इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय लिगामेंट्स अटैच टू द सिलरी बॉडी ठीक है सिंपल लास्ट हम लोग पढ़ेंगे अब इसके बाद पढ़ेंगे रेटिना के स्ट्रक्चर के बारे में तो रेटिना इज अ इनर मोस्ट लेयर एंड इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स गैंगलियन फोटोसेप्टर एंड सेप्टर भी दो टाइप के होते हैं क्या होते हैं रॉड्स और कोन्स होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स में क्या होगा सेंसिटिव प्रोटीन्स होंगे उन को तो लाइट विजन जो है डे लाइट विजन जो है वो कराता है uh,

तो हमारे को पता है कि सारे के सारे कलर रेड ब्लू और ग्रीन की डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी ज़्यादा यू uh, नो you know, कि रेड कितना स्टिमुलेट हुआ ग्रीन कितना स्टिमुलेट हुआ उसके हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सो द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स इज प्रोड्यूस बाई वेरियस कॉम्बिनेशन

एंड स्लाइटली अब द पोस्टीरियर पोल होगा आए तो ये पार्ट थोड़ा समझने की कोशिश कर लो कि मान लो ये आए है एकदम ऐसे है तो एकदम पीछे की ओर जो एकदम होगा तो वो पोस्टीरियर पोल होगा उस पोस्टीरियर पोल से थोड़ा मीडियल मतलब मीडियल मतलब टूवर्ड्स द नोज़ बीच में जो तुम ना बीच में आते रहते हो छोड़ो तो यहाँ पर जो पोस्टीरियर पोल है उसके मीडियल पे यहाँ पर जो होगा वहाँ पर आता है ऑप्टिक नोव ठीक है ऑप्टिक नर्व जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया वहां से सारे के सारे न्यूरॉन्स तो जा रहे हैं बट वहाँ पे तो फोटो रिसेप्टर सेल्स है नहीं सो सिंस देर आर नो फोटो रिसेप्टर सेल्स इट इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड स्पॉट एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट अब ये तो पोस्टीरियर पोल था मीडियल यहाँ पे क्या आ गई ऑप्टिक नर्व आ गई और लेटरल की ओर एक और, और एरिया आएगा जहां पे बहुत थिंड आउट पोर्शन है दिस आउट पोर्शन इज कॉल्ड एज फोविया सो एट द पोस्टीरियर पार्ट लिटिल दूर ब्लाइंड स्पॉट देर इज स्पॉट कॉल्ड एज स्पॉट होता है उसको ल्यूटिया के अंदर एक थिन डाउट स्पॉट होता है उसको फोविया कहते हैं द फोविया इज अ थिन डाउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेर कोन्स आर वेरी डेंसली पाक अब क्योंकि इतनी डेंसली पाक ना तो मैक्सिमम विजुअल एक्टिवटी मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी इज प्रेजेंट देर सो देन इजिली आस्कू अज रीजन Uh, maximum visual acuity is present at fovea and the answer would be the reason for this would be it has the maximum concentration the densest concentration of the cones so assertion reason can be asked in this way द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस called as aqueous chamber एंड contains aqueous ह्यूमर एंड लेंस एंड retina के बीच में जो है उसको vitreous कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है कि ये वाला जो पार्ट है ये vitreous chamber है इसमें vitreous fluid होगा और ये वाला जो पार्ट है ये एंटीरियर aqueous chamber है इसमें aqueous ह्यूमर होगा तो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो पार्ट है उसको हम लोग aqueous ह्यूमर कहते हैं लेंस के पीछे और retina के बीच में जो पार्ट है उसको हम लोग विट्रेस ह्यूमर कहते हैं इसको बस याद रखना है दैट्स अबाउट इट ठीक है विट्रस ह्यूमर जो होता है वो जेल फॉर्म में होता है और एक्वस ह्यूमर जो होता है वो फ्लूड होता है सो दे देखना आज क्यों बोलता कंसिस्टेंसी एज वेल विट्रस ह्यूमर इज फ्लूड इन कंसिस्टेंसी जेलिश इन कंसिस्टेंसी सॉलिड इन कंसिस्टेंसी आंसर वुड बी इट इज जेल लाइक इन कंसिस्टेंसी ओके नाउ द मैकेनिजम ऑफ विजन एज कंपेयर टू हेयरिंग इट इज मच ईजियर लाइट आती है फोटो रिसेप्टर सेल्स में दर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑप्सिन एंड रेटिनल ये ऑप्शन एंड रेटिनल दोनों एक साथ लगे होते हैं ये लाइट आती है तो डिसोसिएट कर जाते हैं दोनों चेंज हो जाते हैं ऑप्शन विल डिसोसिएट फ्रॉम रेटिनल रेटिनल अगेन एज अ डेरिवेटिव ऑफ वाइटमिन ए अब ये डिसोसिएट कर गए तो क्या होगा लेसे डिसोसिएट तो ऑप्शन जो है प्रोटीन उसकी कंफ्योगेशन में चेंज आ जाएगा वो पहले लेसे ऐसे लगा हुआ था डिसोसिएट करके वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हल्का सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा और इस चेंज की वजह से इम्पल्स जनरेट होगी लाइट इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ रेटनल फ्रॉम ऑप्शन रिजल्टिंग इन चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन दिस कॉज मेब्रेन परमेबिलिटी चेंजे जो इंग्लिशली पढ़ा था मेब्रेन में चेंज होगा क्योंकि सोडियम होगा? बहुत सारा इन साइड आएगा एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट फोटो रिसेप्टर सेल में पोटेंशियल जनरेट होगा फोटो रिसेप्टर सेल अपना सिग्नल देंगे बाइपोलर सेल को बाइपोलर सेल अपना सिग्नल देगा गांग्लियन सेल को एंड गोन सेल विल टुगेदर फॉर्म द ऑप्टिक नाउ दिस प्रोड्यूस द सिग्नल दट जनरेक्शन पोटेंशियल इन द गंग्लियॉन सेल

So, this is how the structure of the eye is concerned. Much, much easier as compared to the structure of the uh, ear. This concludes our lecture on eye and ear, or uh, the one shot video on eye and ear.